रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक यूनिक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अक्सर होता ही है कि गर्मी के मौसम में हमारे घर का जो दूध है वो खराब हो जाता है या फिर कभी कभी हमारी गलती की वजह से दूध जो है खराब हो जाता है। और हम करते क्या, एक तो दूध को फेंक देते हैं या फिर उसमें चीनी डालकर उसे थोड़ा सा सूखा कर उसे ऐसे ही खा लेते हैं। बट आज मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके घर का जब दूध खराब हो जाएगा आप उसे फेंकेंगे नहीं और सिर्फ चीनी डालकर उसे नहीं खाएंगे बल्कि इस तरह से आप उसे बनाकर सर्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। बट बनाने से पहले हमेशा की तरह आपको मेरे वीडियो पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए खराब दूध से बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दूध का बर्तन है और उसमें जो दूध है वो पूरी तरह से खराब हो गया है। हुआ ये कि कल सुबह मैंने 2 लीटर दूध को गर्म करने रखा था और उसके बाद मुझे एक इमरजेंसी आने की वजह से मैं दूध को जो है फ्रिज में रखना भूल गई और मैं बाहर चली गई। और आज सुबह मैंने जब इस दूध को गर्म किया तो दूध जो है पूरी तरह से फट चुका है, यानी कि खराब हो चुका है। ये नेचुरली फटा हुआ दूध है, इसमें मैंने कोई चीज मिला ही नहीं है जिससे ये दूध फटे। नॉर्मली आपके घरों में भी इस तरह से हुआ होगा कि दूध गर्म करना भूल गए या फिर फ्रिज में रखना भूल गए, तो इतनी गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से दूध जो है वो खराब हो जाता है और ये एकदम आम बात है। और ये जो खराब हुआ दूध है होता है कि हम इसे एक तो फेंक देते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस खराब दूध से भी एक अच्छी सी रेसिपी बताऊं जो खाने में टेस्टी भी है, बहुत हेल्दी भी है और ये जो रेसिपी है इसके लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको बनाने के लिए और ये इसका अच्छा इस्तेमाल भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे छान लेते हैं। इसके अंदर जितना भी पानी यानी कि सारा लिक्विड जो है उसे हम अलग कर देंगे क्योंकि हमें इस पानी की जरूरत नहीं है, हमें ये ड्राई मिक्सर चाहिए। इसमें से जो पानी निकला है ये काफी हेल्दी वाटर होता है, आप इसे करी बनाने में, सब्जी बनाने में या फिर सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉटन का रुमाल लिया है, आप चाहो तो मसलिन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने जो सारी मलाई को जो छान के लिया है उसे डालेंगे और इसे अच्छे से टाइट बांध कर इसका जो सारा पानी है उसे निचोड़ देंगे। हमें एकदम ड्राई छेना चाहिए तो इसे हम इसी तरह से छलनी में या फिर आप चाहो तो इसे नल पे भी बांध कर 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसके अंदर का जो सारा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। ये देखिए इसे मैंने 4 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था और आप देख सकते हैं 2 लीटर खराब दूध से इतना ही छेना बना है। आपको नजर आ रहा होगा ये जो हमारा छेना है ये कितना ड्राई है, इसमें जरा भी पानी नहीं है। इसे जब हम क्रम्बल करेंगे यानी कि इसे जब हम चूरेंगे तो ये हाथों को दानेदार लगना चाहिए। तो आप भी इस रेसिपी को बनाओगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका जो छेना है वो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से चूर कर दिया है, तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने सिर्फ 0.5 लीटर दूध लिया है। इसके लिए दूध आपका इसी तरह का होना चाहिए, उसी तरह का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप नॉर्मल आपके घर में जो भी दूध आता है उस दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। ये देखिए दूध में उबाल आने लगा है। जैसे ही उबाल आ जाए हम आज को जो है वो एकदम धीमा करेंगे और इस दूध को आधा और गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते जाएंगे और जितनी भी किनारों से मलाई जमेगी उस मलाई को हम खुरचते हुए इस दूध में मिलाते जाएंगे। ये देखिए दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है और आधा भी हो चुका है। तो इसमें हम सबसे पहले चुरा हुआ जो छेना है उसे डालेंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे जब तक कि ये जो छेना है और ये जो सारा दूध है वो अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। ये सारा मिक्सचर जो है अच्छे से गाढ़ा होने लगा है तो अब हम इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे। मीठा जो है आप अपने पसंद अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा रख सकते हैं। आज को जो है हमें धीमा ही रखना है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। चीनी हमारी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है कि आप देख सकते हैं इसका जो सारा मिक्सचर है वो सारा दानेदार होने लगा है और हमने जो इसमें दूध का इस्तेमाल किया था वो अब छेना में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम इसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करेंगे। 1/4 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप इसकी जो क्वांटिटी है अपने पसंद अनुसार रख सकते हैं और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। साथ ही में हम 1 छोटा चम्मच रोज वाटर डालेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और इसे फ्लेवर भी मिलेगा।
पाव छोटा चम्मच केवड़ा इसमें डालेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है और हल्के हल्के हाथों से इसे मैश करना है, जिससे कि हर एक जो दाने हैं जितने हो सके उतने छोटे रहे। रोज वाटर और केवड़ा इसमें जो है वो ऑप्शनल है, बट इससे आपके जो रेसिपी है उसको बहुत ही अच्छी खुशबू मिलेगी और साथ ही में फ्लेवर भी मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस हमें करते समय हमारा जो आंच है यानी कि हमारा जो गैस का फ्लेम है उसे हमें एकदम धीमा ही रखना है। कहीं भी हम फ्लेम को मीडियम या फिर हाई नहीं करेंगे, वरना जो आपका छेना है वो जल जाएगा। ये देखिए मैंने धीमी आंच पे इसे कंटिन्यू चलाया है, इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है, सारे दाने छोटे छोटे भी हो गए और आप देख सकते हैं जो पूरा मिक्सचर है हमारा गाढ़ा हो गया है। इसका जो सारा पानी था वो पूरी तरह से सूख गया है, तो आज को हम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने केक का मोल्ड लिया है और इसे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। अब हम इसमें सारा जो मिक्सचर है उसे डालेंगे और अच्छे से इवनली चम्मच से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से हम पिस्ता और चिरंजी से गार्निश करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको बादाम पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद अनुसार कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। 6 घंटे हो गए हैं और ये जो है पूरी तरह से अच्छे से सेट हो गया है, तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। कितने अच्छे से ये देखिए निकल के आ गया है और एकदम परफेक्ट बनकर रेडी है। फ्रेंड्स आप इसे कलाकंद कह सकते हैं, मिल्क केक कह सकते हैं। ये दानेदार है, इसके वजह से काफी नाजुक होता है, ये आपके मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी यानी कि घुल जाएगी। तो जब भी आपके घर में गर्मी के वजह से या फिर किसी भी और वजह से अगर दूध खराब हो जाए तो उसे आप फेंके नहीं। इस तरह से आप उसकी स्वीट रेसिपी बनाए और बताए कैसे बनी थी। तो देखा ना आपने इस खराब दूध से कितनी बढ़िया और अमेजिंग रेसिपी हमने बनाई है। बट इस रेसिपी के लिए आपको खराब दूध करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं जिसमें आप सिरका या फिर नींबू का जूस डालकर उसे फाड़ कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना होगा ये कि मैंने इसे छलनी में छान कर डायरेक्ट यूज किया, बस आपको उसके थोड़ा वॉश करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने नींबू का जूस डाला या फिर सिरका डाला तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है जो कि इस रेसिपी के लिए अच्छा टेस्ट नहीं करेगा, तो आपको इसे वॉश करके लेना है। तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाइए, अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।